सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उन लोग इस पैंडेमिक के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम से, और क्लास जाना ना जा पाना, पढ़ाई कई लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और कई लोग ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे समस्या से गुजर रहे हैं, आप ही नहीं पूरे देश ऐसे गुजर रहे पैंडेमिक से। इसके बावजूद सीबीएसई, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सीबीएसई न्यू दिल्ली ने अपने अपने स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अपने जो करिकुलम सिलेबस में बहुत अच्छा एक बदलाव किया है, जो बहुत सभी छात्र के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, जो दो भागों में बांटा गया है, टर्म वन टर्म टू। तो उसी सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। जो पहला टर्म में कौन कौन चैप्टर आएगा, पहला टर्म टर्म्स का सिलेबस का हम जिक्र करेंगे। इसपे जो सेशन 2021-22 के लिए जो जारी किया है सीबीसी ने, उसमें टर्म वन सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ का सारे सब्जेक्ट मैं इसमें वीडियो में बताया हूँ, आप इसे जरूर देखें। और टर्म वन नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए स्कूल को कहा गया है, जो सीबीसी का सर्कुलर में जारी है, सर्कुलर में बताया गया है। सो फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो रीडिंग पोर्शन है, एंड जिसमें रीडिंग रीडिंग पोर्शन में जो इस तरह हमेशा आया करता था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेज से, एंड असेस इंटरफेरेंस, इवैल्यूएशन, वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिस्कर्सिव पैसेज एंड कैच बेस्ड एक्चुअल, ये सारे पहले भी आया करता, पुराना है। राइटिंग स्किल, ये भी पहले से ही था इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन, आपको राइटिंग स्किल भी ने भी कवर करना है। एंड लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियली, एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट इन बिजनेस, ऑफिशियली एक बिजनेस पर कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है। सर राइटिंग स्किल को कंप्लीट करना है, रीडिंग स्किल को कंप्लीट करना है, जिसमें इस तरह का सवाल, इस तरह का क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है आएगा। और विशेष तौर से इस साल में सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंजेस किया है, जिसका क्वेश्चन पेपर भी बोर्ड से ही आएगा, टर्म वन का टर्म सेकेंड का। इसलिए सभी को इसमें बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, बहुत गंभीरता से तैयारी करना है। एंड ग्रामर पोर्शन में जो है टेंस है, एंड मॉडल्स, थर्ड सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, फोर्थ डिटरमाइनर, फिफ्थ रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, सेवेंथ में स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, एंड एट में क्वेश्चन। एट जो टॉपिक है इस पे आपको ग्रामर पोर्शन में तैयारी करना है फॉर फर्स्ट टर्म। एंड लिटरेचर में जो बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट का बुक्स, उसमें से कौन कौन चैप्टर आएगा टर्म वन में, फर्स्ट लेटर टू गॉड, सेकंड नेल्सन मंडेला, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फोर्थ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फिफ्थ द 100 रेसेस, जिसका दूसरा भाग भी है द 100 रेसेस। इन सिक्स चैप्टर आपका टर्म वन में आ रहा है, जिसे आपको तैयारी करना है। एंड फुटप्रिंट विदाउट फिट उसमें है, लेकिन उससे पहले हम पोएम से देखेंगे पोएम कौन कौन सा आएगा। पोएम में डस्ट ऑफ स्नो द फर्स्ट पोएम है, सेकेंड पोएम फायर एंड आइस, थर्ड पोएम टाइगर इन द जू, एंड फोर्थ द बॉल पोएम बॉल, ए फोर्थ पोएम, चार पोएम आपके टर्म वन में आ रहे हैं। फुटप्रिंट में तीन तीन चैप्टर आएगा, जो पहला है ए ट्रायंगल ऑफ सर्जरी, सेकेंड द थिप स्टोरी, थर्ड फुटप्रिंट विदाउट फिट। तीन चैप्टर जो तीन स्टोरी है फुटप्रिंट से कवर होना चाहिए फर्स्ट टर्म में, ए इंग्लिश का पोर्शन है। नेक्स्ट सी फॉर मैथमेटिक्स, मैथ का जो टर्म वन में आएगा, इसमें मैंने इस तरह समझाने का प्रयास किया हूं, ज्यादा इसे मैं
एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आपको समझने में कठिन हो सकता है, बस सर्किट में संक्षिप्त में समझाया गया है जिस तरह यूनिट नंबर यूनिट नेम है मार्क्स कितने आएंगे, बहुत सिंपल में इसको बताया गया जिस तरह सीबीएसई ने जारी किया अपने सर्कुलर में। फर्स्ट नंबर में नंबर सिस्टम, जिसका नंबर होगा सिक्स नंबर आपके एग्जाम में उस बेस पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर उसका सिक्स नंबर का बनेगा। अलजेब्रा में से टेन नंबर का क्वेश्चन बनेगा। थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सिक्स नंबर का क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ में ज्योमेट्री, सिक्स नंबर का इसका सवाल बनेगा। एंड ट्रिगोनोमेट्री में से फाइव नंबर का सवाल आएंगे। उस टॉपिक पे आपको इतना सारे कवर करना है जिसका वेटेज है सिक्स टेन सिक्स सिक्स फाइव। देन मेंसुरेशन में फोर नंबर का सवाल आएगा, उस पोर्शन में से इतना दिया जाएगा। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें थ्री नंबर का टोटल कितने हो रहे जब आप काउंट करेंगे इसका टोटल परसेंट है 40। तो इस तरह का सीबीएसई जो फॉर्मेट सवाल क्वेश्चन पेपर आएंगे जिस बेस पे बनाया जाएगा उस बेस पे सिलेबस जारी किया गया है, इसे आप ध्यान से देखना है और समझना है और उसके आधार पर तैयारी करना है। सबसे ज्यादा किससे आ रहा है, किस पोर्शन से, अलजेब्रा से। इस तरह के सब तैयारी जो टोटल करेंगे तो 40 नंबर प्लस 10 विल बी इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल असेसमेंट करेगा और 10 नंबर का देगा, तो टोटल मिला करके 50, टोटल विल बी 50। ये मैथमेटिक का सिलेबस। देन यू विल चूज नेक्स्ट सिलेबस फॉर इंटरनल असेसमेंट मार्क टोटल मार्क, उसमें जो है पीरियोडिक टेस्ट में जो 10 मार्क है उसका मैं दोबारा बता रहा हूं, जो इंटरनल आंसर में 10 मार्क किस तरह हो रहा है उस समय में 10 मार्क कैसे लिया जा रहा है, इसको कैसा देगा। पहला पीरियोडिक टेस्ट 3 होंगे उसमें 3%, मल्टीपल असेसमेंट होंगे उसमें 2%, पोर्टफोलियो उसमें 2%, स्टूडेंट एनरिचमेंट उनमें से एक्टिविटी जो स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क इसमें 3%, इस तरह मिलाकर के 10 नंबर होता है। ये इंटरनल असेसमेंट में आपको मिलेगा स्कूल से। एंड 40 मार्क्स विल बी फ्रॉम योर मेन एग्जाम व्हिच क्वेश्चन पर विल कम फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई जो सवाल आएंगे उस 40 नंबर का होगा और कौन कौन पोर्शन से कितना नंबर आएगा उसको मैंने स्पष्ट बता दिया, इसे जरूर आप ध्यान करिए, ध्यान दीजिए। ये मैथमेटिक का। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज साइंस। साइंस में से टर्म वन में यूनिट वाइज है उसका मार्क्स कितने हैं, केमिकल एंड सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 1, 2 एंड 3। पहला जो भाग है यूनिट फर्स्ट है चैप्टर 1, 2 एंड 3, उसमें से 16 नंबर तक सवाल बनेगा। एंड सेकेंड टर्म सेकेंड यूनिट में वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6, उसमें से 10 नंबर का सवाल बनेंगे। थर्ड यूनिट में नेचुरल फिनोमेना चैप्टर 10 एंड 11, उसमें 40 नंबर का सवाल बनेगा। फोर्थ में इंटरनल आंसर में 10 नंबर का। तो आप देखेंगे इसमें जो है 1, 2, 3 एंड अदर चैप्टर विल बी कवर्ड इन टर्म सेकेंड एंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर एंड अनदर चैप्टर रिमेनिंग दैट विल बी कवर्ड इन योर सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म में आपका वो शामिल होगा, इसलिए अभी सारे कवर किया गया है। इसमें भी थर्ड यूनिट में 10 एंड 11 एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी कवर इन सेकेंड यूनिट। तो मिला करके आपका हमर बिकमिंग इट बिकम 50 टोटल ऑल टुगेदर। And this portion for social science will be covered in term 1, first unit
सोशल साइंस में थोड़ा ज्यादा विस्तार किया हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए मैंने इसे मैं पूरा बता रहा हूँ संक्षिप्त में, इसे मैं एक्सप्लेन करना पड़ा है क्योंकि क्या क्या टॉपिक कवर हो रहा है इसमें सोशल साइंस में, इसको जानना जरूरी था इसलिए मैं इसे पूरा कवर किया हूँ। इंडियन एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट, उसमें 12 पीरियड होंगे, कितने पीरियड से उसके बारे में जिक्र किया गया है, 12 पीरियड्स एंड 10 मार्क का। और सेकंड कंटेम्पररी इंडिया वन में 16 पीरियड उनको मिलेगा, 16 पीरियड है, आप जब इसका विस्तार एक्सपीरियंस होंगे तो समझ पाएंगे 10 नंबर का होगा। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वन, उसमें 14 पीरियड मिलेंगे जिसका नंबर होगा 10। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 20 पीरियड मिलेगा जिसका नंबर होगा 10 मार्क। तो टोटल 62 पीरियड विल बी कवर फॉर दिस पोर्शन, स्कूल को 62 पीरियड मिलेगा जो इस टॉपिक को कवर करने के लिए, जिसका टोटल मार्क विल बी सब में से 10 मार्क का ये क्या गया है, इसमें से 10 नंबर का सवाल बनेगा जिसका टोटल है 40। सो लिटिल एक्सप्लेन ब्रॉड वर्क इस पर करेंगे, जो पूरा एक्सप्लेनेशन जरूरी है इसको समझना। इवेंट्स एंड प्रोसेस थीम जो है इससे द राइट्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे कौन कौन टॉपिक कवर हो रहा है, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830-1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये सारे टॉपिक पे आपका पढ़ाई होना चाहिए, आपको कवर करना चाहिए। द नेशनलिज्म इन यूरोप एक फर्स्ट चैप्टर से, एंड सेकंड से, सेकंड यूनिट से कंटेम्पररी वर्ल्ड इंडिया से, सॉरी कंटेम्पररी वर्ल्ड नहीं, कंटेम्पररी इंडिया से आपको क्या कवर करना है, ये सारे टॉपिक, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज ऑफ पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर, सॉइल एंड रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये सारे आपकी कंटेम्पररी इंडिया सेकेंड से पहला टर्म में कवर होगा। अनेक्स्ट वाटर रिसोर्सेज, और द सेम थिंग फ्रॉम देयर ओनली, वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड, दिस वाटर रिसोर्सेज विल कवर। एंड अनदर एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर विभाग में आपको कवर करना है। एंड यूनिट थर्ड में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पावर शेयरिंग में क्या पढ़ेंगे, केस स्टडीज एंड बेल्जियम एंड श्रीलंका, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, जो सिविक्स से हैं ये सारे पावर शेयरिंग और सिविक्स से हैं, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरलिज्म, हाउ इज फेडरलिज्म प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, दिस आर द फ्रॉम सोशल साइंस। एंड नेक्स्ट वी विल सी फॉर हिंदी, हिंदी में सुनिए आप लोगों का जो क्लास 10 की बुक है उसका पाठ्यक्रम, और जो हिंदी में दो किताब होता है ए और बी, उसे हिंदी में कहते हैं आ, और उसका 0-0-2 कक्षा 10वीं की हिंदी और परीक्षा पाठ्यक्रम जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है। एंड इसमें जो भाग दिया गया है और एक अपोजिट गद्यांश जो रीडिंग पोर्शन में से है, जिस तरह इंग्लिश का है अपोजिट काव्यांश से, अपोजिट गद्यांश से जो नंबर आएंगे आप सभी इसको समझ पाएंगे, 150-200 शब्दों का कम इस तरह से लिखने का हर साल जो आता था उस तरह इन्हें फर्स्ट भी आएगा,
जिसका आंख होगा फाइव नंबर, उसमें से पांच नंबर जो कुल उसका भार होगा दस। दूसरा व्याकरण निर्धारित विषय पर विषय वस्तु को बहुत भाषिक बिंदु संरचना बहुविस्तृति प्रश्न 1:16 कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 16 प्रश्न के उत्तर देने होंगे जिसका नंबर इच क्वेश्चन एक हर सवाल का एक होगा। जिस तरह है रचना के आधार और वाक्य भेद चार अंक का जो चार सवाल वाच्य के चार अंक का होगा, पद परिचय चार अंक का होगा, रस में से चार अंक का होगा, जो बुक में है जिस तरह का डिवाइड किया गया जिसमें से इतने सवाल इतना नंबर उस सवाल उस भागों में से आया। क्षितिज भाग दो में से जो गद्य खंड है उसमें 7 नंबर का सवाल आएंगे। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश से आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध जो 5 नंबर का सवाल उसमें से आएंगे। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी के उचित चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुमूल्य प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका अंक होगा 2 नंबर का। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल प्रश्न पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस होगा जो 5 नंबर का ही है। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी को काव्यबोध परखने हेतु 2 बहुविकल प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 सवाल जो मल्टीपल चॉइस का ही पूछा जाएगा जिसका नंबर भी 2 नंबर का होगा, एक नंबर इंच। आंतरिक मूल्यांकन ये आपके बुक में से है। आंतरिक मूल्यांकन सामायिक आंकलन बहुमूल्य जो 10 नंबर का 2.5 इस तरह कुल 10 नंबर का होगा। ये आपका पहला टर्म का हिंदी का सिलेबस है जो टोटल मिलाकर के 50 हो रहा है जो इंटरनल असेसमेंट के साथ। एंड अगेन यू कैन सी दिस वन, दोबारा इसको देखिए। गद्य खंड में से 14 अंक का टोटल होंगे जो किस किस भागों में कितना नंबर का डिवाइड किया गया है आप इससे समझ सकते हैं। और अपठित व्याकरण में से आपका 16 अंक है और रीडिंग पोर्शन राइटिंग स्किल जो होता है इंग्लिश में उसका 10 नंबर का होगा, टोटल मिला करके आपके 40 नंबर का होगा। गद्यखंड से 14, व्याकरण पोर्शन से 16 एंड रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल में से आपके 10 नंबर के एंड अंतरिम मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 10 अंक, इस तरह का टोटल तो 50 नंबर ये भी फर्स्ट टर्म में आएगा। एंड स्वयं प्रकाश ने नेताजी के चश्मा सूरजदार ये सारे पाठ्य पुस्तक भाग का 2 का 2021-22 के 1 में प्रथम में निर्मलिक पाठ्य सम्मिलित किए गए हैं। ये सारे आपका सम्मिलित किया गया है इस सत्र में क्षितिज भाग 2 में, इस बुक को भी सम्मिलित किया गया है इस सारे टॉपिक को। तो ये है हिंदी का सिलेबस पहला टर्म के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह तैयारी करेंगे और अपने आप को उस मुकाम में ला खड़े करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।